नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को 37 और बीजेपी को 48 सीटें मिली। वहीं परिणाम से पहले तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन चुनाव परिणाम मन मुताबिक नहीं आने पर कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर कई सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें, पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग के पास पहुंची और बुधवार को चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में उसके उम्मीदवारों और उसके मतदान एजेंटों ने कई सीटों पर ईवीएम मशीनों से विसंगति पाई गई है, उनके साथ छेड़छाड़ होते हुए पाया गया है। वहीं पार्टी ने उदाहरण के तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची भी पेश की है और कांग्रेस ने 7 सीटों पर खास तौर पर दर्ज करवाया। वहीं करनाल, रेवाड़ी, पानीपत शहर और होडल, कालकाजी और नारलौर, देखा जाए तो पार्टी ने इन सीटों पर 610 वोट से लेकर 35,672 वोटों तक अंतर से हार गई है। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा के खाते में चली गई। वहीं नारनौल में पहली सीट थी जिसका नाम कांग्रेस ने लिया था और कहा था कि यहां जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी पाई गई है वहां पर वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को मतगणना के अंत में इस बात का उल्लेख किया। वहीं महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल में देखा जाए तो सीट पर भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह को 17,171 वोटों से हराया। 2014 में 2019 में भी नारनौल में देखा जाए जीतने वाले ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार अपनी वोट शेयर बढ़ाया था। कांग्रेस ने आखिरकार अगर देखा जाए तो 1991 में नारनौल की सीट हासिल की थी। कांग्रेस ने आखिर बार 1991 में जब ये सीट हासिल की थी तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि कांग्रेस इस बार भी फतेह हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आपको बता दें, दोनों उम्मीदवारों की लाइनअप एक ही थी। वहीं 2019 में विजेता ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी से हैं और उसके बाद कमलेश सैनी जननायक जनता पार्टी से और नरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी और 2014 में विजेता ओम प्रकाश बीजेपी के बाद अब सैनी जो है इनेलो और नरेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस से थे। वही करनाल इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व से लेकर अब तक भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करते रहे हैं। वही 2019 के विधानसभा चुनाव में खट्टर ने इन सीटों पर 45,188 वोटों से जीत दर्ज की थी। खट्टर के केंद्र पर चले जाने के बाद जून में इस सीट पर हुए उपचुनाव में मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 41,540 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने आखिर बार करनाल में सीट 2009 में जीती थी और हालांकि अभी संपन्न में जो हुए हैं चुनाव उसमें विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सैनी को लाडवा से टिकट दिया और खट्टर के करीबी जगमोहन आनंद को करनाल से टिकट दे दिया। आनंद ने कांग्रेस के सुमिता विर्क को 33,652 मतों से हराकर जीत हासिल। वहीं कांग्रेस ने आखिर बार करनाल में 2009 में सीटें जीती थी और जबवाली के बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिला था जिसमें से देवीलाल परिवार के 2 सदस्य शामिल थे। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सवालिया निशान लगा रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं किरकिरी होते हुए नजर आए। ऐसे में झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास कहीं ना कहीं जनता के ऊपर से उठता हुआ नजर आया है और जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब सवाल या निशान लगाते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हरियाणा के जिस तरीके से रिजल्ट आए उसमें यह माना जा रहा था कि अब इस बार कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल आफ्टर लंच बदलता हुआ नजर आता है उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी सवाल उठने लगे, जनता के द्वारा भी और विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रही है। देखना यह होगा कि किस तरीके से इन सब मुद्दों से लेकर भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी लड़ते हुए नजर आएंगे और हरियाणा की जनता को किस तरीके से खुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर और कांग्रेस की हार को लेकर और किन गलतियों से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।